हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड हेयर ट्रीटमेंट में सीमा। आज मैं आप लोग के साथ में एक स्किन केयर, स्किन को ग्लो करने का और स्किन को फेयर बनाने का बहुत ही अच्छा रेमेडी लेकर के आई हूं आपके साथ में। ये डेफिनेटली 100% वर्क करता है आपके सामने। इसका जो लाइव रिजल्ट होगा आप खुद देख लोगे। एक बार यूज करोगे उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसको कंटिन्यूटी में यूज करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो स्किन है वो 4 से 5 जो शेड है आपकी वो बिल्कुल डिफरेंस हो जाएगा और आप बिल्कुल अच्छे से फेयर हो जाओगे। आप लोग के साथ में मैं अपनी पहले की पिक्चर और आपकी पिक्चर आप लोग देख सकते हैं। मैं पहले की पिक्चर डाल दूंगी जब मेरी शादी हुई थी और उसमें और अब मैं कितना ज्यादा डिफरेंस है मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। वो पिक आफ्टर बिफोर की लगा दूंगी और जो मैं आज आपके साथ में शेयर करी छोटा सा है स्किन केयर हमारा और इसको मैं यूज करती हूँ। मैं एवरी नाइट करके सोती हूँ इसको, चाहे मुझे टाइम हो या ना हो मैं करती हूँ इसको 10 से 5 मिनट निकाल करके। ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है। और उसके बाद से मैंने अपना जो फेस है वो अच्छे से क्लीन कर लिया है। लिपस्टिक थोड़ी सी रह गई है बिकॉज मैंने जो लिपस्टिक लगाई है ये थोड़ी सी वैसी वाली लिपस्टिक है, अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक है तो छूटी नहीं है, इस वजह से रह गई है थोड़ी सी। मैंने कहा चलो छोड़ो नहीं निकल रही है। फिर मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, वाइप से साफ कर लिया है और अब हम यहाँ पर यूज करेंगे मेरे जो फेस है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये यहाँ पे ना ड्राइनेस सी हो रही है कहीं कहीं पे, तो मैं यहाँ पर इस क्रीम से मसाज करूंगी। इस ये जो क्रीम है इसका भी जो रिजल्ट है वो भी काफी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। इस क्रीम का जो रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, इतना ऑसम रिजल्ट है। अभी मैं आप लोग के साथ में लाइव कर रही हूँ, डेमो कर रही हूँ, कोई भी कट नहीं करूंगी मैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जिसका रिस्पॉन्स होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा बिकॉज जो चीज़ें मैं कर रही हूँ सामने वो आपके सामने अभी आएगा जस्ट। सो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए कितनी बड़ी क्रीम है, मैं इसके 4-5 डब्बे लेकर आई हूँ। पूरी ठंडी में मैं यूज करती हूँ इसको ऑल ओवर वर्ल्ड। जिनकी नई शादी होने वाली है, जिनकी एंगेजमेंट होने वाली है या फिर जो घर में और भी लेडीज हैं जैसे मैं हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है फेशियल कराने का बाहर जाकर, तो मैं यही सारी चीज़ें करती हूँ। मैं बाहर फेशियल नहीं कराती हूँ। एक बार मैंने फेशियल करा लिया था तो पता है इस मेरे फेस पे इतना ज्यादा, उस समय तो बहुत अच्छी चमक आ गई थी, मैं तो बहुत खुश हो गई थी, बट नेक्स्ट डे देखा मेरे जो फेस की जो बैंड बनी थी ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना काला काला सा फेस लग रहा था, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था। फिर मैं करती नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आपको थोड़ा सा ये क्रीम लेना है और क्रीम लेने के बाद अपने फेस पे अच्छे से स्प्रेड करना है और इसको अच्छे से मसाज करना है। आप नेक पर भी इसको करेंगे। अपनी आईज के पास आपको नहीं लगाना है बिकॉज आप आईज के लिए कुछ और चीजें यूज करेंगे। अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो बताइएगा, मैं शेयर कर दूंगी। मुझे डार्क सर्कल नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं जो मेरी क्रीम है कितनी ज्यादा अंदर चली गई है, मैंने कितनी सारी क्रीम ली थी, एब्जॉर्ब हो चुकी है फेस पे। अब हमें क्या करना है इसी स्टेज पे जब आपके अंदर क्रीम अच्छे से चली जाए, और आपको फेस की एक्सरसाइज भी मैं आपको बता देती हूँ। आप जब ऐसी एक बार क्रीम से मसाज कर लीजिए अच्छे से अपने फेस पे, उसके बाद ऐसे करिए। इससे क्या होता है कि हमें यहाँ पे कॉन्टोरिंग करने की जरूरत नहीं होती है और जब हम ब्लश लगाते हैं तो ब्लश लगाने पे ये जो हमारे जो चीक्स होते हैं फूले फूले से ये अच्छे से उभार के आते हैं, तो आप इस पर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आप ब्लश लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल सही वे में लगता है, सही तरीके से लगता है, आपको कंट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है गाइस। तो आप गाइस देख सकते हैं बिल्कुल भी कटिंग नहीं करी है मैंने और इसमें जो क्रीम भी मैंने लगाई थी वो सारी एब्जॉर्ब हो गई है। आपको सेकंड टाइम में क्या करना है, सेकंड टाइम में आपने करना है दोबारा आपको क्रीम लेनी है। मेरा हाथ स्लिप कर रहा है, मैं कटिंग नहीं कर सकती हूँ तो मुझे ऐसे ही खोलना पड़ेगा। कैसे खोलूं उसको, खुल गया। सो गाइस आपको थोड़ा सा फिर से क्रीम लेना है और उसके बाद से सेकंड टाइम आपको फिर से मसाज करनी है और उसके बाद आपको क्या करना है, जब अपने फेस पे अपने क्रीम उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फेस पे अपने क्रीम लगा ली सेकंड टाइम आपको क्या करना है, रोज वाटर लेना है। रोज वाटर भी नहीं खुल रहा है, हाथ जो है मेरा वो स्लिप हो रहा है, रोज वाटर खुल गया। अब आपको थोड़ा सा रोज वाटर लेना है और रोज वाटर को लेकर के अच्छे से दोनों हाथों में रब करना है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद मसाज देना है, बिल्कुल तेज तेज से मसाज नहीं देना है, ऐसे करके नहीं, बिल्कुल लाइट सा। गाइज ये क्रीम आपको अपनी आईज के पास नहीं लगाना है, अगर ये आईज पर थोड़ी सी भी चली गई तो आपके टीयर्स वर्क नहीं होंगे, सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मेरी आदत है, मैं करती रहती हूँ तो मेरी हैबिट बन गई है। और आपने जब ये करना है तो आप अपने कान के इयररिंग्स वगैरह निकाल करके अच्छे से कान में तब तक करिए बिकॉज जब हमारी स्किन फेयर होती है तो पूरी प्रॉपर तरीके से होती है तो अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा और ले रही हूँ रोज वाटर। गाइस आप देख सकते हैं कि पूरी जो क्रीम है फिर से एब्जॉर्ब हो गई है फेस पे सेकंड टाइम वाली भी।
मैं आपको पास से दिखाती हूँ, आप देखिए कितना अच्छा ग्लो आ रहा है यहाँ पे, कोई कोई भी कटिंग नहीं, कोई भी एडिटिंग नहीं है, और आप देखिए कितना अच्छा सा फेस पे फेयरनेस आ रही है, ग्लो आ रहा है, कितना अच्छा सा लुक आ रहा है। अब ये जो हमारा सेकंड टाइम हमने जो क्रीम लगाई थी रोज वाटर के साथ में, अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप है हमारा जेल। ठीक है, जेल इतना अच्छा है, इतना मौसम में लगाते ही आपको अपने फेस पे इतना अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। सो गाइस यहाँ पे जेल बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे एलोवेरा जेल। मैं ऐसी करती हूँ, मैं बना के कटोरी वटोरी में नहीं रखती हूँ, मैं डायरेक्ट बनाती हूँ, डायरेक्ट यूज कर लेती हूँ। एलोवेरा जेल ले रही हूँ, इतना सा लेना है आपको, आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने सुबह नहीं, मैं रोज ही करती हूँ, मैं सुबह दूसरा करती हूँ और इस समय मैं दूसरा यूज कर रही हूँ, तो ये मैं हमेशा यूज करती हूँ, मेरा एवरी नाइट यही रूटीन है मेरी, मैं कोई भी चेंजेस नहीं करती हूँ। हाँ पैक मैं चेंज कर लेती हूँ, बट हाँ मैंने 6 मंथ मैंने कंटिन्यूटी में लिक्विराइज वाला ही यूज करा है। सो गाइस इतना सा मैंने एलोवेरा जेल लिया है, और उसके बाद से मैं यहाँ पर ले रही हूँ वाइल्ड टर्मरिक। ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था ना वाइल्ड टर्मरिक, मैं वही वाला टर्मरिक ले रही हूँ यहाँ पे। सो गाइज मैं यहाँ पे नेक्स्ट ले रही हूँ वाइल्ड टर्मरिक और इतना सा एलोवेरा जेल। ठीक है, और आपको बस इसकी वन थोड़ी सी लेनी है 2 इंच के करीब, बिकॉज दिवाली है तो दिवाली पे गोल्डन निखार तो आना चाहिए आपके फेस पे। और इसको अच्छे से मिक्स करना है अपने हैंड पे, और उसके बाद आपको डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई करना है। गाइज लगाती है, देखा आपने इसका रिजल्ट, मैं आप लोग को हैंड पे करके दिखा दी तो आप लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए मैंने कहा चलो फेस पे ही करते हैं इसको। जब मैं करती हूँ तो मैं फेस पे ही करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ गाइस कोई भी चीजें, और मैं आप लोगों को कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अच्छे से लग गया हमारे फेस पे। ठीक है, और आपको इसको अच्छे से मसाज करना है जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए। और आप देखिए लग रहा है मेरे फेस पे कि मैंने यहाँ पर कॉम्पैक्ट लगाया है या फिर फाउंडेशन लगाया हुआ है। और आपको इसको निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको कोई भी यहाँ पे वाटर का यूज नहीं करना है। अब हम इसी पे यूज करेंगे हमारा जो लिक्विडाइज का जो हमने पैक बनाया था वही यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे कोई कटिंग नहीं करी, आप फेस पे ग्लो देखिए कितना अच्छा आ रहा है। और यहाँ पर हम यहाँ पे यूज करेंगे ये लिक्विडाइज का पैक, कटिंग नहीं करनी है तो इसलिए मैं हैंड से अप्लाई कर ले रही हूँ। तो मैं ब्रश लेने जाऊंगी तो आप लोग कहेंगे दीदी आपने कटिंग कर दी वीडियो में, जो मेरे मेरे पहले पहले सब्सक्राइबर हैं वो तो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, बट बाकी लोग कहेंगे फेक है ये है वो है, बट गाइस फेक कुछ भी नहीं है। जब आप केयर करते हो ना और आपको नॉलेज होती है हर चीज़ के बारे में ना, तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं और उसके रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे होते हैं। मॉर्निंग की स्किन केयर रूटीन मैं आपके साथ में बाद में शेयर कर दूंगी, ये मेरी एवरी नाइट की रूटीन है, मैं नाइट में ऐसे ही यूज करती हूँ। बट पहले उससे पहले मैं अपने फेस को क्लीन करती हूँ, स्टीम लेती हूँ, और प्रॉपर तरीके से शेयर करूंगी आप लोग के साथ में कभी नेक्स्ट टाइम। अभी मैंने दिवाली के लिए ये चीज़ कर दी है, आप कंटिन्यूटी में इसे एक हफ्ते यूज करके देखिए, आपको बाहर फेशियल वगैरह कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसको भी वो पिंपल की प्रॉब्लम है या फिर झाइयों की प्रॉब्लम है, इवन टोन स्किन नहीं है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये। आप कल देखिएगा मेरा फेस का ग्लो, मैंने कोई फेशियल वेशियल नहीं कराती हूँ गाइस, मैं यहीं पर अपना सब कुछ करती हूँ, थ्रेडिंग भी मैं खुद ही करती हूँ। मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी फिर मैंने आज ही करी अपनी थ्रेडिंग, देखिए अच्छी लग रही है, पता नहीं आप लोगों को कैसी लगेगी। सो गाइस बस इतना ही, इसको वॉश करके मैं आप लोगों से मिलती हूँ आफ्टर 20 मिनट्स। इसको 20 मिनट्स अपने फेस पे रखना है जब ये बिल्कुल ड्राई आउट हो जाएगा, उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से वॉश करना है, उसके बाद आपको कुछ भी यूज नहीं करना है, बस आपको रोज वाटर यूज करना है या फिर आप टोनर यूज कर सकते हो, मैं अपना डीआईवाई टोनर यूज करती हूँ। ठीक है गाइस, सो मिलती हूँ मैं आपको 20 मिनट्स बाद, बाय। सो गाइज आप देख सकते हैं ये ड्राई हो चुका है अच्छे से, और एक बार आपको जब इसको सूख जाएगा अच्छे से तो आपके ये जो है ना छोटे छोटे से कहीं कहीं डार्क डार्क सा दिख रहा है ये नहीं दिखेगा। ठीक है गाइज, मैं इसको यूज करती रहती हूँ तो मैं आप लोग के सामने आज दिखा रही हूँ, इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ। 10 मिनट्स हो चुके हैं और अभी आप 10 मिनट्स इसको और रखेंगे तो ये अच्छे से ड्राई आउट हो जाएगा, आपको 20 मिनट्स रखने ही रखने हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है, मेरे हाथ पे नहीं आ रहा, तो इसको मैं वॉश कर लेती हूँ, वॉश करने के बाद से आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर रोज वाटर यूज करूंगी आपके सामने। ठीक है गाइज, मैं फेस को गाइज देख सकते हैं मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, और आप इस पर जो इसका रिजल्ट है उसका जो ग्लो है देख सकते हैं, मैं यहाँ पर फेस को अपने ट्रीट कर ले रही हूँ, देखिए यहाँ पे कोई भी मेकअप नहीं है विदाउट मेकअप। आप देख सकते हैं इसको, और लगेगा कि आपने अपने फेस पे कोई मतलब पैनकेक लगाया है या फिर कंसीलर लगाया है, ये देखिए
मैं आपको एक बार टॉवल दिखा दे रही हूँ, आप लोगों को लगेगा इसमें कुछ लग गया है, कुछ लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है गाइस, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं ना, तो इसलिए आप देख सकते हैं इसका जो ग्लो है। और अब मैं आपके सामने यहाँ पर रोज वाटर लगाती हूँ, फिर आप लोग देखिएगा। सो गाइस आपको साहिबा का रोज वाटर लेना है और अच्छे से इसको मिक्स करना है अपने दोनों हैंड से। कितना अच्छा लग रहा है मुझे तो, अपना फेस बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा लाइव डेमो भी अच्छा लगा होगा, रिजल्ट भी पसंद आया होगा। सो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा किसको किसको अच्छा लगा, किसको किसको मेरी बातों पर विश्वास है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स, लव यू।